जीवन में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब रास्ता दिखाई नहीं देता और समझ नहीं आता किस ओर बढ़ना है। जीवन के उद्देश्य या लक्ष्य के बिना मन भटकता और विचलित होता रहता है। ऐसा भयभीत और बेकाबू मन कई और संकट की स्थिति खड़ा कर देता है। ऐसे में कैसे इस मुसीबत से निकलें और उस धुंधलके में भी अपनी राह ढूंढे, चलिए जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके अंदर जज्बा तो होता है, मंजिल भी पता होती है, लेकिन आपको सही राह दिखाई नहीं देती। सामने सब कुछ इस तरह उलझा होता है कि मन विचलित हो उठता है या सोच सोच कर कि आगे क्या होगा। सब कुछ धुंधला धुंधला सा नजर आता है और मन डरा होता है। इस समय मन में बिल्कुल वह भावना होती है जैसे कि किसी ने आपको एक अंधेरे रास्ते पर छोड़ दिया और आपको न तो आगे का रास्ता दिखाई दे रहा होता है और न ही ये पता है कि आगे जाना कैसे है। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में आप खुद को संयमित रखकर और इन रास्तों को अपनाकर अपने जीवन की दिशा ढूंढ सकते हैं। ओवरथिंक करने से बचें। सबसे पहले तो आपको भविष्य के डर से बाहर निकलना होगा। आप और अधिक भ्रमित तब हो जाते हैं जब आप यह बार बार सोचते रहते हैं कि आपको तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब आपका आगे क्या होगा। यह भावना आपके सोचने समझने की क्षमता छीन लेती है और मन बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो आपको ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए बहुत ज्यादा सोचने से बचना होगा, वरना आप वही परिणाम सोचकर हार मान लेंगे। अपने मन की आवाज सुने और वो करें जो पसंद है। ऐसे वक्त में मन में बहुत हलचल और शोर मची रहती है, लेकिन यह जरूरी है कि आप मन को शांत रखकर अपने अंदर की आवाज सुने। आपका मन ही इस बात के लिए मार्गदर्शन कर सकता है कि आप क्या बेहतर और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं, और वही करें जिसमें आपका मन लगता है। कुछ भी शॉर्टकट या ऐसा ना चुने जिसमें आपकी इच्छा ना हो, वरना आप उसे अधूरे में ही छोड़ देंगे, क्योंकि उसके प्रति आपका विश्वास और सब्र कम होगा। जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसमें आपका दिल लगता है, तो आपको पता होता है कि वह कितना बेहतर है। एक नहीं बल्कि दो तीन ऑप्शन रखें। कई बार हम एक ही योजना बनाते हैं और उसमें फेल हो जाने पर निराशा की खाई में चले जाते हैं। अगर योजना पूरी तरह पुख्ता ना हो तो आपको दो तीन रास्ते सोचकर रखना चाहिए, ताकि अगर एक बंद हो जाए तो दूसरा खुला हो। हाँ, एक ही साथ सब पर काम मत कीजिए, वरना सब बिगड़ जाएगा और एक भी ठीक से नहीं हो पाएगा। खुद को खाली तो बिल्कुल मत रखिए और कुछ न कुछ करते रहिए, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। कुछ न कुछ करते रहने से नए नए आइडिया आने की संभावना रहती है। भटकाव से बचें और अपनी कोशिशों को महत्व दें। जब हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता है तो मन भटक जाता है। यह बेहद जरूरी है कि आप अपने आसपास जो भी चीजें आपको आपके लक्ष्य से भटका रही हैं, उससे दूर रहें। ऐसे में कई बार आप पूरी तरह कोशिश नहीं कर पाते हैं और उसका परिणाम भी सकारात्मक नहीं मिलता है। इसलिए फोकस्ड रहना जरूरी है। फोकस्ड रहकर अगर पूरे मन के साथ कुछ करते हैं तो उस कोशिश पर यकीन कीजिए, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अपनी कमजोरी और ताकत को पहचानें। कुछ लोग अपनी कमजोरी को नजरअंदाज कर देते हैं और केवल अपनी ताकत के सहारे आगे बढ़ना चाहते हैं। यह सही नहीं है, क्योंकि कई बार आपकी कमजोरी आपको उस समय पीछे रेकेल देती है जब आप मंजिल के बेहद करीब होते हैं। इसलिए अपने ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरी पर काम करना भी बेहद जरूरी है। जब भी कोई ऐसा दौर आए जब लगे कि मंजिल और रास्ता साफ और स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो घबराए नहीं बल्कि खुद पर यकीन रखें। आपका यकीन ही आपको आगे लेकर जाएगा। अगर आप खुद को लेकर ही संशय में रहेंगे तो आपकी योजनाओं में भी वो झलकेगा और उसके हिसाब से आपका मन और आपकी भावना भी रिएक्ट करेगी। बेकाबू मन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गहरी सांस लें, खुद को शांत रखें और फिर आगे की योजना पर काम करें। चाहे
क्या आप अपने जीवन में निराश हैं? क्या आपको भय और चिंता सताती रहती है? क्या आप सच में खुद को जानना चाहते हैं? जुड़ें अध्यात्म के सर्वश्रेष्ठ कोर्स के साथ, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन करें।